नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। एम्बुलेंस ड्राइवर ने यूपी में अस्पताल के वार्ड के बाहर छोड़ा शव, ठेले पर ले गया परिवार। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल लाई गई 54 वर्षीय महिला के मृत घोषित होने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने शव कथित तौर पर वार्ड के बाहर छोड़ दिया और दूसरा वाहन बुलाने को कहा। परिवार द्वारा शव ठेले पर ले जाने का वीडियो सामने आने पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के लिए घर से निकली गुजरात की लड़की का कथित तौर पर किया गया रेप, छत से फेंका गया। गुजरात पुलिस ने बताया कि सूरत में कॉलेज जाने के लिए घर से निकली 18 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर रेप किया गया और 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया। लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है। DCP विधि चौधरी ने कहा, आरोपी को पहचान करने की कोशिश की जा रही है और लड़की अभी खतरे से बाहर है। वहीं तीसरी ओर महिला टीवी एंकर मलाला माईवंद की अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या। अफगानिस्तान में गुरुवार को हमलावरों ने महिला टीवी एंकर मलाला माईवंद और उसके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। नांगरहात प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता अत्ता उल्लाह खोएगानी ने बताया कि जैसे ही मलाला अपने घर से कार में निकली, हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। मलाला अफगानिस्तान महिलाओं और बच्चों के अधिकारियों की मुकर होकर वकालत करती थी। फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। MNS न्यूज देखो, सोना चांदी जीतो। सोमवार से रविवार में बताए जाने वाले न्यूज में पूछे गए 3 सवाल का सही जवाब भेजें और सोना चांदी जीते। मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर पर अपना सही जवाब टाइप करें MDSCJ और पूछे गए सवाल का सही जवाब इस नंबर पर भेजें 9552838179।